कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। यूपीपीसीएस परीक्षा के फिर से स्थगित होने पर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को निशाने पर लिया है। प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि पिछड़ों, दलितों और वंचितों के आरक्षण के अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ सरकार की नीति बन चुकी है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है। प्रियंका गांधी ने अपने इस ट्वीट में लिखा, यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा दूसरी बार स्थगित कर दी गई। यूपी टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज 2021 की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया। बार बार परीक्षाएं स्थगित करना, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के जरिए युवाओं का भविष्य बर्बाद करना भाजपा सरकार की नीति बन चुकी है। प्रतियोगी छात्र यूपीपीसीएस की परीक्षा दो दिन में कराने के प्रस्ताव का भी विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क जायज है कि एक ही परीक्षा दो दिन में होगी तो नॉर्मलाइजेशन की आड़ में स्केलिंग जैसा खेल फिर से शुरू होगा। भाजपा एक तरफ तो युवाओं का भविष्य चौपट कर रही है, दूसरी तरफ नौकरियां नहीं देकर पिछड़ों, दलितों और वंचितों से आरक्षण का भी अधिकार छीन रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उछाला था। इसका लाभ भी चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मिला है। अगर यूपी की बात करें तो पुलिस भर्ती समेत कई परीक्षाओं का पेपर योगी सरकार में लीक हुआ, जिसके बाद सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार की जमकर घेराबंदी की थी और दलितों, पिछड़ों और वंचितों को उनके आरक्षण का अधिकार नहीं देने का गंभीर आरोप लगाया था, जिस पर यूपी में भाजपा को बड़ा नुकसान भी आम चुनाव में देखने को मिला। ऐसे में अब यूपी पीसीएस परीक्षा के दूसरी बार स्थगित होने पर विपक्ष भाजपा और योगी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट इसकी पुष्टि कर रहा है, जिसमें दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार की घेराबंदी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।